आज मैं आपसे फोर लाइन का एक ऐसा पैटर्न शेयर कर रही हूँ जिसे आप चाहें तो बॉर्डर में भी डाल सकते हैं या फिर आप अपने निटिंग प्रोजेक्ट में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सभी में बहुत ही अच्छा लगता है और यह छोटा छोटा देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, बनाने में उतना ही आसान है। इसमें आपने स्टिचेस ऑड नंबर में कास्ट ऑन करने हैं। राइट साइड से ये शुरू होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा पैटर्न बना लिया है, तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। पहला फंदा उतार लें, उसके बाद अगले फंदे को आपने उल्टा बुनना है, फिर उसके बाद अगले फंदे को आप सीधा बनाएंगे, पर इस तरह से आपने सीधा बनाना है, यानी नीचे से आपने नीडल को इंसर्ट करके अपना लूप बनाना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर अगले फंदे को उल्टा बनाना है। फ्रेंड्स ये बॉर्डर की तरह ही चलेगा, पर इसमें सभी सीधे फंदे आपने इसी तरह से बनाने हैं, यानी नीडल को नीचे से इंसर्ट करके आपने अपना लूप निकालना है और फिर अगले फंदे को उल्टा बनाना है, और पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। नीचे से नीडल को इंसर्ट करके निकालने में यह पैटर्न थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आता है और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, और सीधे फंदे को आपने नीचे से नीडल को इंसर्ट करके बनाना है। बस इसमें इसी बात का ध्यान रखना है। इसमें जिस तरह से आपने जो फंदा पहले शुरू किया था वही लास्ट में आएगा। पहला फंदा हमने सीधा उतारा था, ये देखिए लास्ट में भी हमने इस फंदे को सीधा बुना है। सेकंड और फोर्थ रो इसमें उल्टी ही बनाई जाएंगी, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं डलेगा। इसे हमने सिर्फ उल्टा ही बुनना है, रॉन्ग साइड सभी उल्टी ही बनाई जाएंगी। इसके बाद थर्ड रो शुरू होती है, इसमें हमने सेम वही पैटर्न रिपीट करना है पर थोड़ा ऑल्टरनेटिव वे में। पहला फंदा उतार लें, फिर अगले फंदे को आपने सीधा बनाना है, उसी तरह से सीधा बनाना है जैसे पहले बनाया था फर्स्ट रो में। फिर अगले फंदे को आपने उल्टा बनाना है, क्योंकि यहाँ से ये सीधा दिख रहा है, इसे हमने उल्टा बुन लेना है। फिर अगले फंदे को हम उसी तरह से सीधा बनाएंगे, यानी जो फंदा सीधा दिख रहा है उसे उल्टा बुनना है और जो उल्टा है उसे हमने सीधा बुनना है, और इसी तरह से हम अपनी थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे। सेम वही पैटर्न है पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। और इसी तरह से आप अपने पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। फ्रेंड्स ये डिज़ाइन देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बनाने में बहुत ही आसान है, और आप इसे अपने किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। यह सभी में बहुत ही खूबसूरत लगता है। पैटर्न इसमें राइट साइड में बनेगा, रॉन्ग साइड सभी उल्टी ही बनेगी। इसे बनाने में कोई भी मेहनत नहीं है, बहुत इजीली यह पैटर्न बन करके तैयार होता है और देखने में उतना अच्छा भी लगता है। और इसी तरह से आप अपनी थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे। लास्ट में जो फंदा बचा है इसे हमने सीधा बुन लेना है। फोर्थ रो हमारी पूरी उल्टी बनेगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये पैटर्न अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।